फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार से फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में मिस्टर मिसेस निराला ब्लॉग से। तो देखिए दोस्तों, मेरा मॉर्निंग का सब फिनिश हो चुका है रूटीन। आज देखिए संडे है, तो संडे हमारा थोड़ा सा बिजी डे हो जाता है क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, जो ऑफिस वाले हैं सबकी छुट्टी होती है। तो देखिए निराला जी कि भी आज छुट्टी नहीं, आज तो ऑफिस ही चले गए थे। वो संडे था लेकिन कुछ ज़रूरी वर्क था ऑफिस में तो चले गए, तो वो तो उस इस वजह से आज कुछ स्पेशली संडे के दिन आपको पता ही है कि हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बनता है, तो बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो इसलिए आज हमने स्पेशली क्या बनाया, आज हमने बनाई है इडली। इडली बनाई थी आज हमने, वो भी वो सूजी की इडली होती है ना, सूजी की इडली और सांभर। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा फुल, और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है बनाना। और संडे के दिन तो आपको पता ही है कि सब आराम से लेट सोकर उठते हैं, 7 बजे तक सोकर उठते हैं सब, क्योंकि और दिन तो हपड़ धपड़ रहती है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठो, फिर ऑफिस जाने वालों को ऑफिस की लेट रहती है, जल्दी जल्दी लगी हुई, और स्कूल वालों को स्कूल की रहती है, तो बस ऐसे ही रहता है। और वर्क थोड़ा सा आज संडे के दिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है काम, तो इसलिए आज थोड़ा सा अलग ब्रेकफास्ट बना है, तो देखिएगा आप। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, दिन का खाना भी हमारा हो चुका है, दिन में भी हमने खाना वाना खा लिया है। अब मैं ऊपर आई हूँ रूम में अपने, तो मैं क्या करती हूँ, चलो मैं थोड़ी देर आपसे बात ही कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ दिनों से आया क्योंकि मौसम भी आजकल ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश। अभी मैंने कपड़े डाले हैं छत में, अभी वो लेकर आऊँगी। इस समय 3 बज रहे हैं, तो 2 दिनों से तो मैं आप लोगों के साथ में अपनी वीडियो भी शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं वीडियो भी इसलिए शेयर नहीं कर पाई कि थोड़ा सा मैं किसी उसमें बिज़ी थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई, और मेरी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो जो भी शूट किया मैंने आज ही का है, आज ही का ब्लॉग है, आज ही की वीडियो है, आज ही शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो अगर लेट हो जाए वीडियो आने में तो उसके लिए सॉरी, पहले ही मैं एडवांस में बोल देती हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं, एक तो आजकल पता है वीडियो एडिट करने जाओ तो पता नहीं यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरी उसमें दिक्कत हो रही है कुछ, कि मतलब वीडियो एडिट करो तो एडिट ही नहीं हो पाती ढंग से, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसको प्रोसेसिंग में। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए भी, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट, अब मैं रेस्ट करूँगी। तो उससे पहले मैंने कहा चलिए मैं तब तक एडिट कर लेती हूँ वीडियो, जब तक थोड़ा सा टाइम मिला है, अभी फ्री हुई हूँ मैं, तो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ लेट हो जाती है, रात रात को जाती है वीडियो। तो अभी भी मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग मेरे बाहर के व्यूअर्स हैं कि वो लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, तो अगर वो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो मैं आपको इसीलिए याद दिला रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आप इंजॉय करेंगे हमारी वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए हम बनाने जा रहे हैं आज इडली, वो भी सूजी की, जिसे रवा भी कहा जाता है। तो इस पे हमने नमक ऐड किया है, लगभग आधा के जी सूजी है ये, इसमें दही भी हमने, अभी देखते हैं कितनी दही लगेगी इसमें, क्योंकि दही से इसको फेंटना है इस तरह से। तो आधा किलो सूजी में लगभग 1 केजी दही लगी जाएगी। तो देखिए ये बहुत इंस्टेंट, बहुत जल्दी बनने वाली डिश है ये। तो देखिए इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम इस तरह से। अच्छा वाह, सॉरी, मिलाएंगे इसको अच्छे से, फेटेंगे नहीं। थोड़ा सा पानी भी मिलाया हमने इसमें। तो
तो ये देखिए थोड़ी सी दही हमने बचा बचा ली है, तो लगभग एक पाव दही होगी। तो देख सकते हैं ईलो लिया है हमने एक पैकेट, ईलो इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, अभी 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं, और जब हम बनाएंगे उससे थोड़ी देर पहले हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए जो इडली नहीं खाता है उसके लिए सब्जी बना रही हूँ मैं, सब्जी रोटी सांभर की भी दाल चढ़ा दी है हमने अरग की। तो यहाँ पर देखते हैं हमने वेजिटेबल कट कर दी है, कद्दू लिया है, लौकी है, बैंगन है, जो जो भी सब्जी आपके घर में सब ले सकते हैं। तो इसको कट कट कर लिया हमने, उसके बाद हमने वॉश कर लिया, कढ़ाई गरम चढ़ा दी है, तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा आज हम सांभर जो है वो अलग तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए बीन्स भी हमने कट कर दी है, जो कुछ भी आपके घर में बचा कुछ सब्जियां हो सब यूज़ हो सकती हैं सांभर में। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इमली भी कट कर कर रख दी है, इमली भी भिगाने के लिए रख दी है सांभर के लिए। दाल हमारी हो चुकी है बॉयल, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर सब्जी बन रही है, तो सब्जी बना दी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है, उसमें मैंने सब्जी जो कट की थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। तो आज सांभर हम थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाएंगे, यानी सब्जियों को हमने बॉईल नहीं किया है, इनको फ्राई करेंगे हम, फ्राई करके ही इसको पकाएंगे। देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों को, थोड़ा सा इनको पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं सब्जी जो है हमारी कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, कलर भी इसने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो हमने सब्जियों को, क्योंकि अगर हम इसको बॉईल करते तो ज़्यादा पक जाती है, इसलिए हमने बॉईल नहीं किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं चटनी बनाने की भी तैयारी हो रही है, नारियल की चटनी बना रहे हैं हम। तो एक कच्चा नारियल लिया है हमने चटनी बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों चटनी बना रहे हैं, मूँगफली ली है हमने, जो खाने वाली मूँगफली थी वही छीली है हमने, वही ली है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया है नारियल, मिर्च ली है हमने हरी मिर्च, और अदरक लिया है। आप इसमें वो भी लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। देखिए हमने दाल जो है बॉईल कर रखी थी, इसमें सारी सब्जियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना था, अगर इसी में डाल के पकाते तो ज़्यादा पक जाती सब्जियाँ, तो इसलिए अब हमने इसी में डाल दिया। अब इसको फटाफट से छौंक देते हैं। देखिए हमने इसमें तेल गर्म हो चुका है, इसमें राई ऐड कर दी है हमने, और ये देख सकते हैं मेथी, थोड़ी सी मेथी तड़के के लिए, और ये लाल मिर्च, और ये देख सकते हैं थोड़ा सा हींग हमने इसमें ऐड कर दिया है। बोला थोड़ा सा हम इसमें कड़ी पत्ता हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारे यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे से कड़ी पत्ता थे तो हमने वही डालेंगे। बस यही तड़का हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें फटाफट से देख सकते हैं हमारा तड़का रेडी है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें सारा जो ये सांभर है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मुझे पीछे से वॉइस ओवर करनी पड़े, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, आदि भी ज़िद कर रहा था, कुछ मांग रहा था किचन में आके, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने सारा सांभर इसमें ऐड कर दिया है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आ रखा है। तो कड़ी पत्ते मेरे पास थोड़े से ही थे, छोटे छोटे से थे हमारे यहाँ कड़ी पत्ते का पौधा, उसी से हमने तोड़े हैं। तो इसमें उसका टेस्ट अच्छा आता है कड़ी पत्ते का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो देखिए इमली को हम हाथ से इस तरह से कर देंगे मैश, इसमें ऐड कर देंगे इमली। तो देख सकते हैं दोस्तों इमली का जो है, हमने इमली को अच्छे से निकाल लिया, इमली का पानी इसमें ऐड कर दिया है, हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है हमने इमली को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसी तरह से हल्का हल्का ब्राउनिश सा कलर आता है इसका। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। तो सच में आज सांभर वाकई बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो
तो ये जो बचे कुचा इमली का है वो है, हमने ये भी इसमें डाल दिया है पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से अपने घर में दोस्तों ज़रूर सांभर को ट्राई कीजिएगा। इसको आप भात के साथ भी, चावल के साथ खा सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें सांभर मसाला भी ऐड किया है, मैं भूल गई बताना आपको। तो मैंने इसमें सांभर मसाला भी ऐड किया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। जब तक इसमें अच्छे से एक उबाल आएगा तब तक हम इसको 5 मिनट तक मिक्स होने तक पकने देंगे। यहाँ पर हरा धनिया भी कट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सांभर कितने अच्छे से उबल चुका है। हमने इसमें हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है तवे में। और ये देख सकते हैं चटनी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है तड़के के लिए, और लाल मिर्च डाली है 3-4, हमने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा हमने इसमें डाला है राई, जो सरसों होते हैं ना वो हमने इसमें ऐड की है। तो इसका हम तड़का लगाएंगे चटनी में, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है चटनी में। इससे जो चटनी का टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी चटनी बनी है हमारी। आप भी इस तरह से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी भी उसके साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है, कलर तड़के से बिल्कुल ही कलर चेंज हो चुका है इसका, परफेक्ट बनी है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें इनो ऐड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने इसमें एक पैकेट इनो ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे इस इनो के साथ में इस बैटर को। तो सूजी देख सकते हैं हमारी फूल भी चुकी है अच्छे से, और कितना अच्छा बना है ये देखिए, परफेक्ट बैटर बनकर बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो फटाफट से हम इसके बना लेते हैं इडली, आधा आधा चम्मच करके ही हम इसको भरेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुकर में थोड़ा सा पानी लिया है, प्रेशर कुकर में, इसी में हम स्टैंड रख दिया है, हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे के सारे इडली के जो इडली है हम सारे के सारे इसमें भर देते हैं। यहाँ पर मैं रोटी भी बना रही हूँ साथ साथ में, और साइड में इडली बना रही है रमा दीदी। तो जितने भी सांचे हैं हमारे सब में हम इडली का बैटर भर देते हैं स्टैंड में, और इसको स्टैंड में लगा देते हैं। पहले हमने इसको तेल ऑयल से ग्रीस किया है, हमने ये देख सकते हैं ऑयल लगाया इसमें, ताकि इडली का जो बैटर है वो नीचे नहीं चिपके। यहाँ पर मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से रोटी बना रही हूँ, सेक रही हूँ। तो ऐसी बातें भी कर रहे थे, हंसी भी आ रही थी हमें कि कितनी आफत आ रखी है हमें, पहले एक ही काम किया जाता है। तो एक्चुअली मेरा इडली खाने का कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था इडली खाने का, तो हमने सोचा चलिए आज इडली बनाते हैं। तो देखिए हमने ढक्कन लगा दिया है और सीटी निकाल दी है इसकी। आगे आगे हो रहे इधर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हन्नी और हदीब डांस कर रहे हैं, बोल रहे हमारे वीडियो बनाओ मामी, हम डांस कर रहे हैं। हमने कहा चलिए तुम्हारी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों वहाँ देख सकते हैं बच्चे मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी झटपट इडली बनकर रेडी है, फटाफट से बनने वाली इडली है ये। जिसका भी इडली खाने का मन करे अपने घर पे इस तरह से फटाफट से बना लीजिएगा। और ये देख सकते हैं कितनी फूली फूली बनी है और कितनी गरम गरम, वाओ कितनी अच्छी बनी है हमारी इडली। और ये है हमारा सांभर, सांभर का कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा लग रहा है।
इस तरह से आपको इडली खाने का जब भी मन करे तो इसी तरह से फट से इंस्टेंट बनने वाली इडली है ये। और ये देख सकते हैं ये है नारियल की चटनी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर आपको भी इस तरह से इडली खाने का मन है तो अपने घर पे ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और ये देख सकते हैं कितनी जाली जाली वाली बनी है ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।